सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी मेहरा ब्लॉग में। कैसे हो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, हम भी एकदम ठीक हैं। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, टाइम लगभग 9 बज गए हैं और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग 9 बजे से हो रही है। तो आज के मौसम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। कल रात तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। देखो चारों तरफ से हरियाली दिख रही होगी और जो ये सामने नीचे है ये है हमारा घर। और आपको लग रहा होगा कि मैं घर में क्यों नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ अपने गांव के मंदिर में, मायके में, और उस मंदिर में जाके आती हूँ, भेड़ चढ़ानी है मैंने। उसके बाद आज मैं चले जाऊँगी ससुराल को, इसी वजह से जा रही हूँ भेड़ चढ़ाने। सामने में हमारा घर है, चलो घर का व्यू दिखाते हैं, हमारा प्यारा सा घर। और इधर बैल जोत रखे हैं पापा ने, क्योंकि इसमें आजकल मक्का लगाई जा रही है तो ये खेत में बैल जोत रखे। हमारा मंदिर को जाने का रास्ता काफ़ी अच्छा रास्ता है, चलो चलते हैं सीधे मंदिर में और मिलते हैं आगे जाके। और आजकल पहाड़ों में ना काफ़ी हरे भरे पेड़ हो रहे, देखो आपको दिख रही होंगे चारों तरफ से पूरी हरियाली छा। मैं अकेले जा रही हूँ क्योंकि मम्मी आ रही है पीछे पीछे, और चलो चलते हैं सीधे और मिलते हैं आपको आगे जाके। ये वो जो वाली धार दिख रही है वहाँ है मेरा ससुराल। और ये देखो ये जो ये चीज़ दिख रही है ये है पहाड़ की फेमस चीज़ बिच्छू घास। अगर इसको हम टच कर देते हैं तो ना बहुत ख़तरनाक लगता है। ये हमें बचपन में बहुत ज़्यादा लगा रखा है टीचरों ने स्कूल में। ये देखो ये है बिच्छू घास। चलो देखो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है नीचे को, नीचे को पूरे खेत खेत दिख आ गए आपने इष्ट देवी ऐड के मंदिर में। और ये देखिए काफ़ी अच्छा मंदिर है दर्शन। ये देखो गाइस ये है हमारा दूसरा मंदिर। ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा है, यहाँ पे रसोई है, चलते हैं सीधे ऊपर की ओर। खेतों में काफ़ी अच्छी मक्का हो रही है बड़ी बड़ी, ये देखो काफ़ी हरे भरे खेत हो रहे हैं। और जितना हम ऊपर को जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो ऊपर को पूरे पहाड़ हैं, चारों तरफ का व्यू कितना प्यारा है। ये देखिए इधर को भी पूरा हमारा ही गाँव है, हमारे वहाँ का वॉलीबॉल मैदान। ये देखिए यहाँ पे होती है वॉलीबॉल। ये है हमारे गांव का आमा का मंदिर। और अब हम लोग यहाँ आ गए हैं, ये देखिए ये मंदिर काफ़ी जाना माना मंदिर है। यहाँ पे हम आते हैं जो मन में भावना लेके वो सच्ची मन से आएंगे तो पूरी होती है। देखियो काफ़ी सारी घंटियाँ यहाँ पर चढ़ा रखी हैं पहले से, और ये देखो अंदर भी ऐसे रखी है काफ़ी ज़्यादा घंटियाँ। सामने में ऐसे कुछ खेत हैं, चारों तरफ से पूरा जंगल है। ये देखिए गाइस काफ़ी सुंदर है, यहाँ पर आके इतना सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। ये है रसोई, यहाँ पर बनाया जाता है खाना। ये गांव का आमा का मंदिर।
ऊपर को पूरा जंगल है, यहाँ से ऊपर कोई घर नहीं है, सामने में एक घर है उसके बाद आगे नहीं है, और यहाँ पर पूरे खेत हैं देखो, और ऊपर पूरा जंगल है, और जो ऊपर टॉप है ना वहाँ भी एक मंदिर है, अभी वहाँ मैं नहीं जाऊँगी, काफ़ी दूर है वो, बाद में आऊँगी। और चारों तरफ से मंदिर के ऐसे कुछ पेड़ लगा रखे हैं, देखिए गाइस काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, अगर कोई भी सच्चे मनोकामना आता है तो यहाँ पे पूरा वो विश पूरी होती है। और यहाँ पे बकरे भी कटते हैं, जब यहाँ पे पूजा होती है तो काफ़ी ज़्यादा बकरे भी कटते हैं। ये देखिए यहाँ पे लगा रखे हैं चूल्हे, चलो चलते। ये देखिए ये है हमारे भाई बहन लोग, ये देखो भतीजी लोग, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। चलो अब चलते हैं सीधे घर को। यहाँ वो जो सामने नीचे दिख रहे मकान वो है हमारे गाँव की बाखरी, वहाँ पर बोलते हैं बाखरी, बहुत सारे मकान हैं तो वहाँ पर बाखरी बोलते हैं। और पूरा नीचे को हमारा ही गांव है, देखिए ये है देवी मैया का मंदिर। और अब हम जा रहे हैं सीधे घर को, यहाँ नीचे पे ना हमारा बहुत पुराना पानी का नौला है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। चलो ये है हमारे गांव का बहुत पुराना नौला, यहाँ पर कभी पानी सूखता नहीं है, ये देखो सब लोग नहा भी रहे हैं। ये देखो यहाँ पे है पानी भरने का नीचे, ये कभी सूखता नहीं है पानी, ये देखो। चल हेट, पूरा गांव दिखता है, देखो काफी सुंदर गांव है हमारा। और अब हम जा रहे हैं सीधे घर को, यहाँ से मैंने आपको पानी भी दिखा दिया यहाँ से। चलिए गाइस घर पहुंचने वाले हैं मंदिर से, मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, नज़दीक ही था, और आ गए हम फटाफट से, जौर में गए थे, बस ऐसे ही है। और अब ज़्यादा क्या बताऊँ, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहना, मस्त रहना, जहाँ अपनी फैमिली के साथ व्यस्त रहना। टाटा बाय।